रूमी के आगे मेरे लिए किसी चीज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। अगर रूमी मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई ना, तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मुझे जिंदगी की हर खुशी मिल गई है। सारिम बिल्कुल ठीक कह रहा है। इसकी खुशी चाहिए हमें या रस्में वस्में चाहिए? तो भी ठीक है, शादी के बाद तुम्हें और रूमी को मेरे सब अरमान निकालने होंगे, और अगर तुम दोनों ने ऐसा नहीं किया ना, तो देखना मैं रिवायती सास बन के दिखाऊंगी। Done. And thank you so much. और मैं आपसे वादा करता हूँ, अब शादी के बाद अपने सारे अरमान पूरे कर लेना। रूमी बहुत अच्छी बच्ची है, सिर्फ लोगों को फेस करने से घबराती है। उसके खानदान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बातें बनाते हैं। हो सकता है आप ठीक कह रहे हो, लेकिन एक बात बता दूं, शादी के ड्रेसेस खरीदने के लिए ना रूमी को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। You know what? That's a very good idea. बल्कि रूमी तो क्या, उसकी शॉपिंग के लिए मैं भी साथ जाऊंगा। ठीक है? ठीक है भाई, तुम भी चलना। अरे लाओ जी, अशद जरूरत थी इसकी इस वक्त। आरिफ, वो मेरे जहन में एक बात आई थी। हाँ बोलो। पहले आप वादा करें कि आप मेरी नियत और खलूस पे शक नहीं करेंगे और मेरे इरादों को समझेंगे। शांजे साफ साफ कहो क्या बात है, क्यों तमीज बांध रही हो? देखिए आरिफ, ठीक है सारिम ने और सारिम के घर वालों ने रूमी को आहिल के साथ एक्सेप्ट किया है, लेकिन आपको नहीं लगता कि रूमी के नाम हमें कुछ ना कुछ लिखवाना चाहिए? क्या मतलब कुछ ना कुछ लिखवाना चाहिए? भाई मेरे मुंह में खाक, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कभी जिंदगी में ऐसा हो कि आहिल की वजह से सारिम को लगे कि उसकी जिंदगी डिस्टर्ब हो रही है, या अंकल और आंटी चेंज हो जाएं, तो कम से कम रूमी के पास कुछ ना कुछ तो होगा आहिल को संभालने के लिए, उसको पालने के लिए। अब जाहिर सी बात है, सारिम रूमी से शादी कर रहा है तो उनकी फैमिली तो आगे बढ़ेगी ना, तो आहिल में और बाकी बच्चों में कोई फर्क ना रहे, इस तरह रूमी को आहिल के लिए एक सिक्योरिटी भी मिल जाएगी उस घर में। देखिए आरिफ, मैं ये रूमी के तहफ्फुज के लिए बोल रही हूँ, बाकी आपको पता है मुझे इस बात से कोई फायदा नहीं है। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, रूमी भी सिक्योर हो जाएगी। अच्छा काम करो, तुम मम्मी से इस बारे में बात करो, देखो वो क्या कहती हैं। अरे मेरे समझाने से वो इतने अच्छे से नहीं समझेंगी जितने अच्छे से आप समझा सकते हैं उनको, और वैसे भी पुरानी बातों की वजह से उनका दिल साफ नहीं है मेरी तरफ से। तो आप बस कह दीजिएगा कि ये आपकी अपनी राय है, बाकी जो उनकी मर्जी। अच्छा बाबा ठीक है, मैं खुद उनसे बात करूंगा, तुम उनसे कोई बात मत करना। खुश एक मिनट। हेलो, शुक्र है मेरी कोई बात तो समझ आई। अगर घर नाम करेंगे तो रूमी ने क्या करना है, इसी बहाने हम भी अच्छे घर में रह लेंगे, और वैसे भी सारिम का इश्क तो सिर्फ 4 दिन का है, रूमी ने वापस तो यहीं आना है।